पीलीभीत के भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी ने आज पीलीभीत कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वरुण के पीलीभीत आने पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। हालांकि प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद दिखी। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर समर्थकों को रोक दिया गया था, उसके बाद डिटेक्टर स्कैनिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। दरअसल वरुण गांधी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के मैदान में उतरा। प्रशासन की व्यवस्थाओं के बीच कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद नामांकन करने गए। पत्रकारों से मिलने के बाद वो कलेक्ट्रेट में नामांकन कराया और फिर शहर के प्राचीन यशवंतरी मंदिर में माता के दर्शन करने के उपरांत रोड शो में शामिल हुए। बाइट वरुण गांधी प्रत्याशी। रिपोर्ट मनोज सोनकर, पीलीभीत। देश में एक असमंजस और दिशाहीनता का माहौल था। हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको एक दूरदृष्टा, ईमानदार और राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री मिले, और जिन्होंने अपने लिए कुछ ना चाह के देश के हर क्षेत्र में ऐसा काम किया कि आज भारत विश्व गुरु बनने के पटल पे बिल्कुल है। हम नौजवान देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को और सशक्त करें, ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति अपना सिर उठा के जी सके, ताकि अगली पीढ़ी का भविष्य तय हो सके, ताकि जो काम 5 साल में किया है वो अगले पायदान पे जाके हमारे देश के मान सम्मान को बढ़ाए और हमारे देश को पूरे दुनिया में नंबर एक स्थान पे हर क्षेत्र में जाके छोड़े। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा जो है यहाँ पे भी और हर क्षेत्र में, वो ये है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक बहुत लंबे अरसे के बाद देश को मिला है, जिनके बारे में हम गौरवान्वित हो सकते हैं, जिनके बारे में हम छाती चौड़ी करके ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री है। मेरे चुनाव में और 543 चुनाव में मुद्दा देश के नेतृत्व का है, और मैं एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में उनका झंडा लेके यहाँ पे खड़ा हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही